नमस्कार, मैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल से और सोशल एंड धार्मिक न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूं। आज मैं यहां पर खड़ा हूं उस गोल्डन एप्पल बैंक्वेट हॉल के बिल्कुल बैक साइड पे, जहां पर ये देखिए पीछे हरा भरा ज़रूर है पर इनका सामान ऐसा बिखरा हुआ है। ये देखिए लोहे के सारे जनरेटर वगैरह सब, ये पाइपें और ये देखिए किस तरह से ये लोहे के छड़े पड़ी हुई हैं। ये अभी इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखिए बाउंड्री लाइन के अंदर है। ये एक खेल का मैदान है सारा, देखिए चारों तरफ देखिए खेल का एक मैदान है जहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ पर मैच होता है अभी 3/5/2024 को दोपहर को 12 बजे के आसपास एक बच्चे का एक हादसा हो गया यहाँ पर, जो कि बहुत ये जो लोहे की रॉड्स पड़ी हैं ये इसके कैच करते हुए फील्डिंग करते हुए यहाँ पर आके इसके टांगों के ऊपर जाके चोट लग गई। उस चोट का अभिप्राय ये है कि बहुत गहरा जख्म हुआ, जाके अस्पताल में एमरजेंसी जाना पड़ा। अब जाके हमने इनके मालिक से ही बात की पर मालिक उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, पर उनके स्टाफ ने हमें नरादर किया और हमें उनको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ा, पर उसके बावजूद हम लोग अस्पताल लेकर गए, बच्चे को देखभाल की। और अर्णव कुमार है उस लड़के का नाम, जो कि 15-16 साल का है, वो यहाँ पर लगातार पिछले 10-20 सालों से यहाँ पर क्रिकेट का मैदान बना हुआ है और यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं। और खेलते खेलते जब से ये बैंक्वेट हॉल पिछले 2-3 महीनों से बना है, ये नया बैंक्वेट हॉल बना है, पर इन्होंने बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा सुरक्षित जगह को नहीं रखा। यहाँ बैठने की व्यवस्था थी वो भी ख़त्म कर दी और इधर जितना सामान बिखेरा गया है इनके एरिए में जगह नहीं आती। फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो आप इसको बाउंड्री लाइन से बाहर रखें ताकि हमें नुकसान ना हो, किसी बच्चे को चोट ना लगे। देखिए किस तरह से ये लोहा पड़ा हुआ है, ये देखिए साफ आप देख सकते हैं इधर से ये लोहा पड़ा हुआ है। ये सब लोहा जो है अगर किसी फिल्टरिंग करते हुए इंसान को लग जाए, चाहे कॉर्पोरेट का मैच हो चाहे आपके सीनियर आपका बच्चा भी अपना हो सकता है, अगर किसी को चोट गहरी लग जाती है हो सकता है मौत भी हो जाए, ऐसे कई बार लोहे के छड़ों से शरीर के अंदर घुस जाए तो उसका जिम्मेवार कौन हो सकता है। ये एक क्वेश्चन है हमारा, एराइज किया हमने इनके मालिक को, जो कि गोपाल जी नाम है उनका, हम उनको एराइज करके आए हैं, पर वो उन्होंने हमें उल्टा मेरे को माई सेल्फ जी एस हैरी, जो कि एक क्रिकेटर हूँ एंड इंडियन वेटरन क्रिकेटर हूँ, और मेरे को 25 साल की जो मैं मेहनत की है क्रिकेट के अंदर उसका रिजल्ट ये दिया कि अगले ने हमें धमकी दे दी और हमें जाके जान से मारने की और ज़मीन में गाड़ने की धमकी दी है मेरे बच्चों को और मेरे परिवार के सदस्यों को, जिसकी कंप्लेंट हमने मंगोलपुरी थाने में की है। पर मैं ये चाहता हूँ कि हमें आप लोगों की ये जितनी भी ये इसे अनदेखा ना किया जाए, क्योंकि बच्चों का मामला है, बच्चों की हम सेफ्टी के लिए उनको कहते रहते हैं, बार बार उनसे आग्रह करते रहते हैं कि आप चाहे कहीं भी आप गोल्डन एप्पल बनाओ या कुछ भी जैसा मर्जी आप कोई बैंक्वेट हॉल बनाइए, पर सेफ्टी सबके लिए चाहिए। इस सेफ्टी का मतलब क्या है, देखिए सामने सिलेंडर पड़े हैं, कितने सारे गंद पड़ा हुआ है, एंट्री पे इतना गंद है कि इन्होंने फ्रंट साइड तो बहुत अच्छा कर रखा है पर अंदर की तरफ ये गोल्डन एप्पल नाम जो है, इधर आके देखिए मैं गोल्डन एप्पल दिखाता हूँ आपको चारों तरफ से कि किस तरह से इन्होंने इस जगह को बनाया है। हमें अच्छा लगा कि ये जगह, चलो पहले गौशाला के रूप में थी, एक थोड़ा सा हल्की थी, हल्के स्तर पे थी पर साफ सुथरी बनी, पर उसका पीछे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। ये एंट्री पे देखिए किस तरह से गंदगी है चारों तरफ, देखिए आप इन्होंने कंटीन बना दी है। इस कंटीन का नतीजा क्या है, ये सिलेंडर पड़े हैं, गंदगी उठाते हैं, ये ग्राउंड के आप पीछे देखिए कितनी गंदगी है। ये जो भी यहाँ क्रिकेट खेलने आता था पहले, बड़े अच्छे अच्छे लोग आते थे, ये इवन देन पुलिस महकमा भी आता था, तो वो सब लोग अब मुश्किल से आते हैं यहाँ पर। एंट्री देखिए किस तरह से एंट्री पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये गंदगी देख लीजिए। इस गंदगी का नतीजा क्या है, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, अब बच्चा आके खेल नहीं पाता, जब खेलने आते हैं तो चोट लगने का डर है। तो हमें आप सबसे आग्रह है कि ये जितने लोग यहाँ पर है स्टाफ है वो भी हमें भी बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। ये देखिए साइड में देखो, ये जनरेटर पड़े हुए हैं, पेड़ों के काट दिया, पेड़ों के साथ बीच में सब छड़ काट दी है। इस तरह से हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है, ज़रा आप लोग भी देखिए किस तरह से इन बच्चों के देश के भविष्य जो है क्रिकेटर, जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी खिलाओ, मेरे साथ बेटियां खेलती हैं, मेरे साथ लड़कियां यहां आके खेलती हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जिस तरह से एंट्री है, पहले ऐसी एंट्री नहीं थी, अब गंदगी पड़ चुकी है। और यहां पर जाके जितना भी मैं कहूंगा कि अगर इनके मालिक को इन्होंने जो धमकी दी है कल, उसका असर जो है हमारे पूरे समाज को जाता है कि ये तो आए दिन कोई भी आप
उठ के किसी को भी कुछ कह सकते हो। मोदी जी के राज में अगर ऐसी धमकी आए तो बीजेपी सरकार क्या करेगी, ये हमें सोचने में क्वेश्चन है हमारे मन में कि अगर उनके बिछाए हुए जाल में हम फंसते रहे तो हमें फ़ायदा क्या, जब ऐसे लोग ही अगर हमें तंग करेंगे तो हम कैसे हम आगे बच्चों को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। कैमरामैन मेरी सादिया के साथ, मैं जी एस हैरी, धन्यवाद।